इसको दिमाग के अंदर बना के रखिए कि आप अगर उसके धर्म के तराजू में तोले गए तो बिलिशेशर यानी नपुंसक राजा के बेटे के समान कहीं हल्के ना पाए जाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य में 7 खंडों में से हैं। तीसरे खंड के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर का सिंहासन और 7 मोहर बंद पुस्तक के बारे में। पिछले संदेश में हमने दूसरी मोहर के बारे में सीखा था, परंतु आज हम सीखेंगे तीसरी मोहर के बारे में कि जब तीसरी मोहर खुलती है तो क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 5 और 6 पद। मैं यहां पर आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 5 और 6 पद है। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे प्रभु की आशीष हो। आइए इसकी पहले हम आउटलाइन को तैयार कर लेते हैं। यहां पर क्या है, पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, तीसरी मोहर जब खुलती है तब तीसरा प्राणी यौहन्ना को बुलाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, यौहन्ना को काला घोड़ा और उसका सवार दिखाता है। तीसरा है, सवार के हाथ में एक तराजू है। चौथा है, चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुनता है यौहन्ना जो। पांचवा है, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जौ, और छठा है, तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब इन चारों प्राणियों में से एक अर्थात तीसरा जो प्राणी है वो यौहन्ना को बुलाता है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे तो वहां पर उन 4 प्राणियों का वर्णन दिया गया है कि कौन सा प्राणी किसके समान है, परंतु यह तीसरा प्राणी का जो संबंध है ये दिखाया गया है वहां पर कि उसका मुंह जो है वो मनुष्यों के समान है। जी हाँ, तीसरे प्राणी का मुंह जो है वो मनुष्यों के समान है। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोहर है, वैसे तो सभी मोहरों का संबंध मनुष्यों से है, परंतु विशेष तौर से कुछ विशेष घटना घटित होने वाली है जिसका संबंध मनुष्यों से है और मनुष्यों के बीच में होने वाला है। मगर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। इसका मतलब इस मोहर का संबंध मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह से और उसके लोगों से है। उसके लोगों का मतलब है कि मनुष्यों से जो है उसका संबंध जो है वो यहां पर दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हम मनुष्यों के लिए सबके लिए बलिदान हुआ है। और मुंह का संबंध जो है सिर्फ बोलने से नहीं होता, बोल चाल के लिए ही परमेश्वर ने मुंह को नहीं बनाया, परंतु इसका संबंध जो है खाने पीने से भी है। जब मुंह के द्वारा खाना पीना हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर को उस खाने पीने के द्वारा जो है वो ताकत और शक्ति मिलती है जो परमेश्वर ने खाने के लिए हमसे कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो तीसरा प्राणी है जिसका मनुष्य जैसा मुंह है तो उसका संबंध जो है मनुष्य के खाने पीने से और भी बहुत सी बातों से है जो हम आगे सीखेंगे। तीसरा प्राणी यौहन्ना को काला घोड़ा और उसका सवार दिखाता है। ये ध्यान दीजिएगा जो यहां पर ये वाला पॉइंट है कि तीसरा जो प्राणी है वो यौहन्ना को बुलाता है कि आ और देख मैं तुझे क्या दिखा रहा हूं। तो यौहन्ना जब देखता है तो एक काला घोड़ा देखता है और उसका सवार देखता है। यानी इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ यह है कि भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं वो यौहन्ना को दिखाया जा रहा है कि अब क्या घटित होने जा रहा है इस तीसरी मोहर के खुलने से। यौहन्ना उसको देखता है। और यहां पर जो है मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि काला घोड़ा और उसके सवार का संबंध जो है वो 2 चीजों पर आधारित है। पहला धार्मिक और राजकीय शक्ति और दूसरा महंगाई। इन 2 चीजों से जो है इसका संबंध जो है काले घोड़े और उसके सवार का संबंध जो है वो संबंध है। मगर यहां पर एक विशेष बात जो है
जो काले घोड़े का सवार है, जब तीसरी मोहर खुलती है तो उसके हाथ में एक तराजू है। अब तराजू का क्या अर्थ है? बड़ा ध्यान देने की बात है। तराजू आप कहोगे कि अनाज उनाज को तोलने का, राशन तोलने के काम आता है। तराजू के भी दो पहलू हैं, जो दो मुख्य चीजों को प्रकट करता है। पहला न्याय और दूसरा, जैसा आप लोगों ने सोचा, द्रव्यमान मापने का उपकरण। यानी कोई भी चीज को, राशन वगैरह या कोई भी चीज लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, फल लेने जाते हैं, अनाज लेने जाते हैं, उसके तोलने के भी काम आता है। मगर हम बात करेंगे पहला न्याय की, बात करेंगे कि तराजू जो है वो न्याय का प्रतीक है। धार्मिक और राजकीय शक्ति को भी ये जो है ये प्रकट करता है। आपने देखा होगा कैसे धार्मिक और राजकीय शक्ति को किस तरीके से प्रकट करता है। आपने जब अदालत में जाते हैं, तो अदालत में जब आप जाते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर आपने एक मूर्ति सफेद रंग की देखी होगी, उसकी आंखों पे काला पट्टी बंधी होगी और उसके हाथ में एक तराजू होगा और उस तराजू के दोनों पल्ले जो हैं वो बराबर होते हैं। मगर ध्यान, उसको न्यायमूर्ति जो है वो कहा जाता है। इसको समझने की कोशिश करें, जब हम इस तराजू को अच्छे से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात कि वो जो न्यायमूर्ति है वो सफेद रंग की ही क्यों होती है? वो और भी कलर की भी हो सकती है, नीले भी हो सकती है, और भी कई कलरों को मिलाकर भी बनाई जा सकती है। खूबसूरत कलर उसके अंदर डालकर उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, परंतु सफेद रंग की क्यों है? क्योंकि सफेद रंग जो है वो जो पवित्रता का, शुद्धता का प्रतीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो न्यायमूर्ति है ये बड़ी पवित्रता के साथ जो है वो न्याय करती है। इसके अंदर कोई भी आधार्मिकता की बात जो है वो नहीं होती है, या अधर्म को प्रकट करके न्याय नहीं होता है, परंतु धर्म यानी धार्मिकता को और पवित्रता को लेकर जो है वो यहाँ पर न्याय किया जाता है इस स्थान में, जिस स्थान में वो मूर्ति लगाई गई है। उसकी आंखों पर काले रंग की पट्टी होती है। अब काले रंग की पट्टी क्यों? काले रंग की पट्टी इसलिए होती है कि वो ये नहीं देख रहा है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन बहुत हाई पोस्ट का है, कौन राज से संबंधित रखता है या बहुत ऊंची पोस्ट पे है। सबके लिए न्याय बराबर है, किसी का वहां पक्षपात नहीं होता है। पक्षपात वाली बात जो है वो न्याय नहीं है। अब आपने देखा होगा न्यायमूर्ति के हाथ में जो है एक तराजू होता है। न्यायमूर्ति के हाथ में एक तराजू होता है जिसके दोनों पल्ले बराबर होते हैं। इसका क्या है? इसका अर्थ है कि जो न्याय है, जो न्याय प्रक्रिया है वहां पर, वो पक्षपात नहीं है। सभी के लिए न्याय समान है, बराबर है, चाहे वो कितना बड़ा हो, कितने पैसे वाला हो, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, परंतु न्याय सबके लिए बराबर है। ये जो है इन चीजों को वहां पर दर्शाया जाता है। ये संसारिक तौर से है और जो मैंने आपको बताया, परंतु अब बाइबल के आधार पर जो है इस तराजू के अर्थ को सीखेंगे कि बाइबल के आधार पर तराजू का अर्थ क्या है। देखिए यहां पर जो है लगभग तीन प्रकार के तराजू का वर्णन किया गया है। मैं हर एक रेफरेंस नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंस आपको दूंगा, मगर उनका आप अपने घर में स्टडी कर सकते हैं। पहला लय व्यवस्था 19 अध्याय उसका 36 पद, नीति वचन 16 अध्याय उसका 11 पद, एजिकल 45 अध्याय उसका 10 पद। यहां लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास सच्चा तराजू हो, अर्थात न्याय का तराजू, अर्थात धर्म का तराजू जो है, धर्म का तराजू होना चाहिए। जब लय व्यवस्था 19 उसके 36 में लिखा है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इसका अर्थ है कि वे न्याय का अर्थात धर्म का तराजू जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जो है न्याय के, न्याय जब करता है वो धर्म के साथ और धार्मिकता के साथ और पवित्रता के साथ जो है वो न्याय करता है, जिसको धर्म का तराजू भी कहा गया है। दूसरा है, जब आप पढ़ेंगे नीति वचन 11 उसका पहला पद, नीति वचन 20 उसका 23 पद, होशे की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 7 पद, यहां पर लिखा हुआ है कि छल का तराजू। और जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि छल के तराजू से परमेश्वर घृणा करता है। छल का तराजू यानी आप छल कपट कर रहे हैं, किसी से भी छल कपट कर लेते हैं, आप प्रभु के लोगों से भी, प्रभु से भी छल कपट करने से नहीं चूकते, प्रभु के लोगों से भी छल कपट करने से नहीं चूकते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर इससे घृणा करता है, छल कपट के तराजू से, और परमेश्वर को बिल्कुल भी ये बात जो है पसंद नहीं है। तीसरा है,
जब आप पढ़ेंगे मीका की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे तो यहां लिखा कपट का तराजू परमेश्वर जो है घृणा करता है। ये जो तराजू है ये 3 प्रकार के तराजू हैं, परंतु यहां पर जो है सच्चा तराजू अर्थात न्याय का तराजू अर्थात धर्म का तराजू की जो है जब हम बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चलिए हम न्याय के तराजू के धर्म के तराजू की बात कर लेते हैं। अब अय्यूब की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसका 6 पद निकालिए, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। क्या लिखा हुआ है देखिए, अब यहां अय्यूब क्या कह रहा है कि तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, हे परमेश्वर मुझे धर्म के तराजू में तौल और ताकि मैं परमेश्वर मेरी खराई को जान ले, मेरे खरेपन को जान ले, मेरी उन बातों को जान ले कि मैं परमेश्वर के समक्ष कितना निर्दोष हूं, परमेश्वर मेरा न्याय करे। परमेश्वर के हाथ में जो है वो धर्म का तराजू है और यहां पर जो है वो कहता है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब जब 1 और उसका 8 और अय्यूब 2 और उसका 3 पद जब आप पढ़ेंगे, बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं पद पढ़ नहीं रहा हूं यहां पर, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, वहां पर जो बात लिखी है वो आपको बताना चाहता हूं, अय्यूब 1 के 8 में और अय्यूब 2 के 3 में। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कौन है। अब ये जो बात जो परमेश्वर कर रहा है अय्यूब के लिए, अय्यूब कहता ना मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, जब परमेश्वर ने उसे धर्म के तराजू में तोला तो परमेश्वर शैतान से इस बात को कहता है कि उसके समान खरा उसके समान सीधा और उसके समान बुराई से दूर रहने वाला इस पृथ्वी पर कौन है, तुझे दिखाई दिया कोई अय्यूब को छोड़कर। यहां पर जो परमेश्वर जो है वो अय्यूब की खराईपन की, अय्यूब के जो बुराई से दूर रहता उसकी, अय्यूब के सीधेपन की जो बात जो है वो परमेश्वर जो है वो करता है, क्योंकि अय्यूब धर्म के तराजू में तोला गया और वो बिल्कुल खरा पाया गया हर एक बात में जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य को तोलने का एक और उदाहरण है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, एक और उदाहरण जो है परमेश्वर कहता है तोलने के बारे में। हम देखिए तराजू में, हमें धर्म के तराजू में तोला जाता कोई भी मनुष्य क्यों ना हो। अभी हमने अय्यूब की बात करी, अब हम बात करते हैं, आप जब आप पढ़ेंगे डैनियल की पुस्तक उसका 5 अध्याय, यहां पर मैं 25 पद तक का वर्णन करूंगा। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बता देना चाहता हूं, ब्लेशेशर जो नबुकदनेस्सर राजा का बेटा था, वो जो था वो अपने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फंक्शन करता है, जेवनार करता है और बहुत से प्रधानों को, बहुत से रईसों को, अपनी पत्नियों को और अपनी रखैलियों को भी बुलाता है। और जब वो नशे में चूर होता है तो वो जो है क्या करता है, जो नबुकदनेस्सर राजा ने जब यरूशलम पे चढ़ाई करी थी और यरूशलम के मंदिर को जब उसने लूटा था, जो परमेश्वर का मंदिर कहलाया जाता था, उसमें जितने भी पात्र थे यानी बर्तन वगैरह जितने भी थे उन सब को, सोने चांदी के बर्तन थे और वो कई चीजें थी, वो सब जो था अपने देश सिनार जगह में जो है मंदिर था बहुत बड़ा उसके देवता का, उसने वहां पर सारे पात्र जो थे यरूशलम से के मंदिर से निकालकर वहां रखवा दिए। अब नबुकदनेस्सर राजा के बाद जब इसका बेटा सिंहासन पर बैठता है तो ये बड़ी जेवनार करता है, खाना पीना करता है, बहुत बड़ा भोज करता है, और जब ये खा रहे होते हैं तो वो नशे में जो कहता है कि अरे वो यरूशलम के मंदिर के जो भी बर्तन थे उसको लेकर आओ, बड़े घमंड के साथ। और जब उसको लेकर आया जाता तो उसमें वो अपनी रखेलियों के साथ और बुरे और व्यभिचारी लोगों के साथ अशुद्ध भोजन खाता है और उसमें जो है शराब वगैरह जो है वो पीता है। तब एक हाथ जो है वो निकलता है और दीवार पर कुछ लिखने लगता है, और उस हाथ को देखकर जो है वो, इतना सा हाथ बस वो लिख रहा है और वो दीवार पर कुछ लिख रहा है, उसके समझ में नहीं आ रहा है, किसी के समझ में नहीं आ रहा है, वहां के पंडितों को और वो तांत्रिकों को किसी को भी वो लेख जो है समझ में नहीं आ रहा है। तब राजा के समक्ष जो है डैनियल को बुलाया, तब डैनियल आता है, तब वो क्या कहता है, जो शब्द 25 पद है, जो शब्द लिखे गए थे वे ये हैं, मने मने तकेल और उपसरीन। व्याख्या है, डैनियल जो है ब्लेशेशर को इससे लिखे हुए का अर्थ बताता है, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़े समझने की बात है। यहां पर लिखा हुआ है, जब आप डैनियल 5
अध्याय उसका 26 से 28 तक पढ़ेंगे तो इसका अर्थ बता रहा है। माने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल, तकेल का मतलब है तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। आपने देखा तराजू का अर्थ क्या है, यानी परमेश्वर अच्छा इंसान हो बुरा, अच्छा इंसान है तो उसकी अच्छाई तौली जाती है, उसकी खराई तौली जाती है, उसकी पवित्रता तौली जाती है परमेश्वर के धर्म के तराजू में। और अगर बुरा है तो उस धर्म के तराजू में जो है उसकी बुराई को तौली जाती है कि वो कितनी भारी है। और परमेश्वर जो है उस प्रकार से फिर जो है वो दंड देता है, और किस तरीके से जो है परमेश्वर दंड देता है आपने देखा। यहां जो है अय्यूब की भी बात है और कई चीज प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसके 5 और 6 पद जब आप पढ़ेंगे, ये अभी जो है ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि ये तीसरी मोहर जो है, आप ये मत सोचिए तीसरी मोहर खत्म हो चुकी है, तीसरी मोहर का अभी और भी बहुत सी चीजें बाकी हैं, बहुत कुछ वर्णन बाकी है। आप इसमें बने रहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता। मगर एक बात चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा और वो ये कहना चाहूंगा कि यकीन छानिए जब परमेश्वर न्याय करेगा इस पृथ्वी पर तो ध्यान रखिए इसको दिमाग के अंदर बना के रखिए कि आप अगर उसके धर्म के तराजू में तोले गए तो बिलशेशर यानी नबूकदनेस्सर राजा के बेटे के समान कहीं हल्के ना पाए जाए, कहीं हमारा अधर्म भारी ना हो। और हम अय्यूब के समान जब तराजू में तोले जाएं तो हमारी खराई, हमारी सच्चाई, हमारी पवित्रता, हमारी धार्मिकता वो भारी है। और परमेश्वर के हाँ ये है मेरा बेटा अय्यूब के समान, जैसे उसने अय्यूब के लिए गवाही दी ऐसे हमारे लिए गवाही सबके सामने। तो यकीन आप इस बात पर जो है विश्वास रखिए कि आने वाले समय में हम और आप सब परमेश्वर के धर्म के तराजू में तोले जाएंगे। तोलने के लिए तैयार हो जाइए, पल्ला किस तरफ बैठेगा भारी होगा या आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।